प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भगवान बुद्ध ने कहा है, शरीर ही सभी दुखों का कारण है, क्योंकि शरीर है तो जीवन है और जीवन है तो जंजाल है। इसी जंजाल में जब इंसान भरता है अपनी फितरत के रंग, तो घटती है घटनाएं, बनती है कहानियां। भाव और प्रभाव के प्रखर रंगों से सजी सांवरी वो कहानियां जो कलम की कुची का प्रबुद्ध स्पर्श पाकर बन जाती है साहित्य की अनमोल धरोहर। जीवन के दर्पण का एक ऐसा ही मर्म स्पर्शी प्रतिबिंब है ये कहानी। अजीब लड़की। रुक रुक, पानी लाती हूँ, हाथ धो लेना। इसे बरसों से जानती हो। हैं? पानी डाल। हाँ। तू हरफू गद्दी की बेटी है ना? हैं? तने तो एकदम ठीक पहचाना। रगड़ रगड़ के धोना पटारी, ये तो ये दाग उंगलियों पर ठसका मार के बैठ जाता है। बहुत बोले जा रही है तू। और ये पटारी क्या होता है? पटवारी नहीं बोल सकती? मैं तो पटारी ही बोलूंगी, पटवारी। तेरा हाथ तो स्याही से रंग गया एकदम। पटवारी ऐसे क्या देख रहा है? हार्ड मास की जीती जागती मेहरू तूने पहले कभी देखी नहीं क्या? क्यों हर दिन यहां खड़ी रह के तेरे को ताकती रहती थी फिर भी? हाँ क्यों? मेहरू नाम है ना तेरा? तेरे खाते में मेरा नाम है क्या? है तो सही, फिर भी तेरा मन नहीं हुआ मुझसे बात करने का, मुझसे कुछ पूछने का? वो काम ही इतना होता है कि सब कुछ देखकर भी देखा करना पड़ता है। तू हर बात आगे मन से क्यों करता है पटारी? देख वो तू ठहरी औरत जात, मैं कैसे पहल कर सकता हूँ? Thank you.
अच्छा, तेरे पास अगर इतना काम रहता है तो तेरे रोटी पानी की चिंता कौन करता है? वो कुछ भी कच्चा पक्का बना लेता हूँ मैं, पेट ही तो भरना होता है, कभी कभी तो दो वक्त का एक ही वक्त में बना लेता हूँ। तो तेरा ये काम मैं कर दूँ जो बुरा तो नहीं लगेगा? तू बुरा क्यों लगेगा, लेकिन अगर तुम अपने माँ बापों से पूछ ले तो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तू अपने बापू से पूछ ले तो। तू औरों की छोड़, पहले अपनी चिंता करना सीख पटारी, तो कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। जैसी तेरी मर्जी। चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन के अलावा और कोई काम भी लेना चाहेगा मुझसे? अच्छा पटारी, बता तो तेरे घर में कौन कौन है? आज तक तो तूने नहीं पूछा मेरे घर की बात, अचानक ये बात कैसे याद आ गई तुम्हें? नहीं पूछा तो ना सही, ना बताना चाहे तो ना बता। ऐसी बात नहीं है, मैं 20 का था जब मेरी शादी हो गई थी, तब से तकरीबन 10 बरस हो गए हैं, दो बच्चे हैं, बड़ा करीब 8 का होगा और छोटी 6 की। पिछले 7 बरस से नौकरी कर रहा हूं। अपने गांव से ही शुरुआत की थी मैंने नौकरी की, मेरा गांव यहां से करीब 100 मील दूर है। तेरी बीवी अकेले क्या करती है, तुझे बुलाती नहीं है? उसका तो सारा दिन बच्चों को नहलाने के लिए कुएं पे ले जाने में या फिर रोटी खिलाने में और स्कूल ले जाने लाने में खर्च हो जाता है। अक्सर मुझसे कहती है कि अपनी पोस्टिंग गांव में ही करा लो, लेकिन ऐसी बात सुनकर भी एक फीकी सी हंसी देनी पड़ती है। अक्सर जब दोपहर में उदासी जी को आ घेरती है और किसी काम में दिल नहीं लगता तो बच्चों के बारे में सोचने लगता हूं। बच्चे स्कूल से आके बाग में गोले लिए चिड़ियों के पीछे कैसे भागते होंगे, लड़का तो माँ को औंगता देखकर बिनवा नदी नहाने के लिए चला जाता होगा। बिनवा नदी बड़ी विशाल नदी थी, वो पानी से लबालब। मैं एक अच्छा तैराक था, मैं तो रेलवे पुल से ही छलांग लगा देता था। लेकिन अब बच्चों के लिए ले जाऊंगा हॉकी, फुटबॉल और बहुत सारी गेंदें।
अब उनकी उम्र गुड्डे गुड़ियों से खेलने की नहीं रही। तू भी दुल्हे? तेरा मन नहीं करता गुड्डे गुड्डियों से खेलने का? तुम्हें कैसे पता चला कि अमरूद मेरी कमजोरी है? सारी बातें बताने से नहीं पता चलती पटारी, कुछ मन से भी पता चलती है। बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू? बातें नहीं कर रही, बस अपने मन की कर रही। तूने कभी सहमा हुआ कबूतर देखा है पटारी? जो एक कदम आगे आता है और दो कदम पीछे चला जाता है। मुझे कभी कभी लगता है कि तू मुझसे मेरो खिचड़ी बना दो ना, मांसलों की भूख लगी। चल तो कुछ बोला तो सही, आज मैंने जानबूझ के देरी करी थी ताकि मुझे पता चले कि तूने मुझे डांटा क्यों नहीं। ये अमरूद कहां से लाई तू? चौकीदार बहुत किचकिच कर रहा था इसलिए बगीचे से चली आई, नहीं तो मन तो कर रहा था कि सारा दिन बगीचे में सुध-बुध खोकर बैठी रहूं। अच्छा, तू डरती भी है? मेरे लिए तो नहीं बात है। मैं जब अपनी भेड़ बकरियां लेकर पास के जंगल में जाती हूँ ना चराने के लिए, तब मेरा बापू कहता है अपना गद्दी कुत्ता भी साथ लेकर जा, लेकिन मैं लेकर नहीं जाती। हाँ तेरे लिए जरूर डरती हूँ। तो आज पहली बार अपने वक्त से चूक गई, इसलिए घबराहट हो रही थी। अच्छा, तेरे को घबराहट भी होती है? मेरू, किसी के लिए भी अपने दिल में ऐसा दर्द पालना ठीक नहीं। लड़की तो मेरी जान ही लेके रहेगी एक दिन। रजाई क्यों ओढ़ के रखी हुई है? हाय दया, तुम्हें तो बुखार है। वो मुआ चौकीदार कहाँ गया? उसे मेरे घर भेज देते। लेटे रहना, लेटे रहना। तू सवेरे क्यों नहीं आई? अरे मैंने तो जानबूझकर ही देरी कर दी। मैं देखना चाहती थी कि तुझे क्या लगता है।
तसल्ली हो गई तुझे? पटारी, पटारी। ये लो, इस बरामदे ने तेरे को पकड़ रखा है, तूने बरामदे को, हैं? और भी तो जगह उठने बैठने की, घूम फिर के यहीं क्यों बैठ जाते हो? वो गर्मियों में हवा के लिए और सर्दियों में धूप के लिए। और बरसात में ये क्यों नहीं कहते कि ताप चढ़ाने के लिए? कहाँ खो गया पटारी? वो मेरू, आज वो कानून को आने वाला है मौका देखने के लिए। अब उसको खाना तो खिलाना ही पड़ेगा ना। मैंने चौकीदार को भेज दिया गोश्त लेने के लिए। मेरू, तेरे हाथों में तो जादू है। मेरू के बने हाथों का गोश्त बनाएगी ना? हाँ। हाथ में ही जादू है। मेरू, अरे हरफू, इधर आना। राम राम मालिक। राम राम। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मालिक। अरे आओ ना। और बताओ, काम काज कैसा चल रहा है? मालिक, आपके दुआ से गुजर बसर हो रही बात। अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी लड़की मेरे यहाँ चौका चूल्हा करती है? मालिक, हमारे बिटिया अगर आपके घर में काम करे से सुख मिले थे, ऐसी बड़ी बात कौन हो सकत हमारे लिए। लेकिन तुमने अभी तक अपनी लड़कियों की शादी क्यों नहीं की? 20 से ज्यादा की उम्र हो रही होगी उसकी। हमारे यहाँ तो 15-16 साल में लड़कियां माँ बन जाती हैं। माफ करा मालिक, हम अपने भेड़ बकरियन का अपना जान से ज्यादा संभाल के रखे थे मालिक। वो हमारा के दूध देते हैं, अपने गोश्त हमारे पेट भरत है, ठंडी से बचे खातिर हमारा के ऊन देते। हमारी बिटियन तो ऐसी कम नहीं ना मालिक। लेकिन फिर भी 20 से ज्यादा की उम्र तो बहुत होती है अरफू। उम्र से ज्यादा उनकी पसंद का ख्याल रखे थे हम। अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी है मालिक। ये छोटी सी दुनिया में अपनी मर्जी से चैन का सांस तो ले सके थे मालिक। अच्छा, हम चलते हैं मालिक। राम राम। ठीक है, खाना तैयार है जी। ठीक है, तो मैं कानून को बुला लेता हूँ। जी, बस थालियां लगाना बाकी है, सब तैयार है। अच्छा मेहरू। जी। तू अब अपने घर चली जा, वो चौकीदार खाना परोस देगा। मेरा सबके सामने आना तेरे को कहीं अखरेगा इसके लिए ना? लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। खाना बनाया मैंने है तो परोसूंगी भी मैं ही। तू बस जा और उसको लेके आ। जा। बस कर। Thank you.
भाई गोश्त बहुत ही लाजवाब बना है। जी करता है गोश्त बनाने वाले के हाथों को चूम लूं। थाली आगे कर दे, थोड़ा और डाल देती हूँ। उस कानून को के बच्चे ने तो दिन भर परेशान कर दिया। भूख लगी है? नहीं। लगी हो तो खाना रखा हुआ है, खा लेना। मैं चलती हूँ। सुनो, वो कानूनगो की बात का बुरा लगा ना तुम्हें? वो कमीना। मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगा। आखिर उससे जो लगा वो उसने कहा तो सही, लेकिन एक तुम हो कि क्या सुने थे मालिक? अब कौन ही गांव में तबादला हो गया आपको? इस बार अपने ही गांव जा रहा हूं। अपने लड़के बच्चन के पास? तेरी राह देख रहा था, बड़ी पतली पतली लग रही है तू। तूने मुझे कितनी बार देखा है पटवारी? पटवारी? क्या कह रही है तू मेरू? साल भर से हर रोज तो देखता आया हूं तुझे, तुमने तो कभी नागा भी नहीं किया। दुख तो यही है पटारी, कि तने कुछ भी नहीं देखा।